झारखंड में रिश्वत लेने वालों में पुलिस सबसे आगे है। पुलिस के आंकड़े ही इसकी गवाही दे रहे हैं। राज्य में इस वर्ष अब तक रिश्वत लेने के मामले में 34 आरोपित गिरफ्तार किए गए, जिनमें 10 आरोपित पुलिस वाले ही निकले। इनमें 3 दारोगा, 6 जमादार व 1 अग्निशमन विभाग धनबाद के अफसर शामिल हैं। रिश्वत लेने वालों में दूसरे स्थान पर अंचल कार्यालय से जुड़े अधिकारी कर्मी शामिल हैं। रिश्वत लेने से संबंधित अन्य गिरफ्तारियों की बात करें तो पंचायती राज विभाग, शिक्षा विभाग, भविष्य निधि यानी वित्त विभाग, विधि विभाग और ग्रामीण विकास विभाग के पदाधिकारी कर्मी शामिल हैं। एसीबी ने 2 बीडीओ को भी इस अवधि में गिरफ्तार किया है। प्रमंडलवार गिरफ्तारी पर गौर करें तो रांची में 5, चाईबासा में 2, पलामू में 12, धनबाद में 7, दुमका में 3 व हजारीबाग में भी 5 गिरफ्तारी हुई है। पुलिस विभाग में हुई इनकी गिरफ्तारी, जी हाँ, ये जानते हैं पुलिस विभाग में किनकी गिरफ्तारी हुई है। मीरा सिंह दारोगा महिला थाना, इंद्र पासवान जमादार पलामू, उपेंद्र सिंह जमादार हजारीबाग, हरि प्रकाश मिश्रा जमादार धनबाद, रविंद्र राम जमादार नामकुम, केशव कुमार शर्मा जमादार टंडवा चतरा, गणेश सिंह दारोगा चक्रधरपुर पश्चिमी सिंहभूम, रंजीत कुमार झा जमादार डोमचाच कोडरमा, मोहन कुमार सिंह दारोगा एमजीएम जमशेदपुर, शैलेश सिंह सब अधिकारी अग्निशमन धनबाद। झारखंड टाइम्स के साथ जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज झारखंड टाइम्स डॉट लाइव को लाइक करें। साथ ही साथ हमारे ऐप झारखंड टाइम्स को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना बिल्कुल न भूलें।